दिस इज आलू पराठा, दिस इज चोखा, दिस इज चटनी। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी ब्लॉग में आपको पता चला ही होगा कि रुकू का थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, जिसके वजह से वो ब्लॉग बनाना नहीं चाह रही थी। तो अभी शाम को मूड उसका सही हुआ किसी तरह से, और शाम का टाइम में यहाँ पे एक चीज़ का और प्रॉब्लम हो जा रहा है। हमारे यहाँ शाम होती है शाम के 6 बजे या 7 बजे से लॉकडाउन लग जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। बाहर में कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं चलना है, बाहर जाना भी नहीं है। बाहर जाओ तो फिर मास्क लगा के जाओ। ये देखिए, बाहर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी बालकनी है, यहाँ से बाहर मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारी गाड़ियाँ भी बंद हो गई है, बिल्कुल बंद के बराबर है। बाहर दुकानें सारी बंद हो चुकी है। तो जैसा मैं आपको बताया कि रुकू को ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो रेडी हुई किसी तरह से। उसको अच्छा गाना सुनाया हम लोगों ने, और फिर उसके बाद उसका फेवरेट आलू का पराठा वो बना रही है आज। हम लोग सब टेस्ट करेंगे, हम लोग का भी फेवरेट है। देखिए, आपको दिखाता हूँ ये रुकू, ये देखिए क्या कर रही है रुकू। हेलो गाइस, ये आलू की पराठा बनाने की तैयारी चल रही है, आटा गूंद रही है अभी। ये क्या है, ये आलू का चोखा, चोखा बन गया है, बस आटा गूंदना बाकी है। कितना सारा आटा गूंथ रही है। तो कैसे बनता आटा का आलू का पराठा बताओ। चोखा तो पहले बना लिए हैं, ठीक है, इसका रेसिपी बाद में मिलेगा। तो पूरा रेसिपी जानने के लिए पूरी वीडियो को देखना होगा आप लोगों को। हाँ। पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा टेस्टी आलू का पराठा कैसे बनाएं। ये सुनैना, हेलो, बोलो क्या बोलेगी, आलू का पराठा कैसे बनता है वो बोलो। अभी मौसी दिखाएंगी आप लोगों को कि आलू का पराठा कैसे बनता है। अब देखने के लिए पूरा वीडियो में बने रहे हैं आप। ठीक है, आइए। ये हमारे भैया जी हुए, वो अपना अलग दुनिया में खोए रहते हैं। अभी बीटेक में एडमिशन करवाए रामगढ़ यूनिवर्सिटी में। ये क्या देख रहे हैं, आईपैड रखे हुए भैया, हम लोग के पास ये सब नहीं है। ये देखिए इस पे क्या क्या देख रहे हैं सर, बताइए ना सर। अरे ऐसे नहीं, शर्मा गए, चलिए कोई बात नहीं, कुछ बताए नहीं वो। आप देख सकते हैं कि ये कैसे बनाती हैं, कैसे कैसे बनाएंगी। ये जो आलू के पराठा है बहुत ही टेस्टी बना। सबसे पहले तो ये है कि मैंने इसे ये आलू को फ्राई किया नहीं है, और बताओ, सिर्फ उबला हुआ आलू है, और उसमें प्याज दिए हैं, मिर्ची दिए हैं, धनिया पत्ता है, और इसमें जो सबसे खास बात है वो अजवाइन है। उससे क्या होगा, स्मेल अच्छा आएगा ना। हाँ, फ्लेवर अच्छा आ जाता है लेकिन डालने से। हाँ, फ्लेवर अच्छा आएगा, और क्या है कि ये गैस नहीं बनने देगा, इसलिए अजवाइन, क्योंकि ऑयल से तो फिर ऑयल ठीक नहीं रहता है ना ज्यादा खाने से। हमको बाय गाइस, आई एम गोइंग टू घर छोड़ के। अरे बाबू,
इसमें देखो ये जो ड्रामा है ना, नहीं सब निकालो ड्रामा के अंदर भरो, नहीं घुसो ना, नहीं आइएगा चावल तो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज, अच्छा नहीं भी लगे तो भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम लोग बनाने की प्रेरणा मिलती है हमें। और कुछ अगर कुछ गलती हो हम लोगों से तो प्लीज़ माफ़ कर दे और सुझाव दे, उस सुझाव को मानेंगे आगे और कुछ अच्छा रखेंगे। और बताना नहीं चाहिए लेकिन एक बात कहना है आप लोगों से कि एक कमेंट आया था कि हिंदी नहीं बोल पाती हैं या कुछ भी प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पा रही है, तो हिंदी तो हम लोग सच में नहीं बोल पा रहे प्रॉपर, जहाँ पे मैं लगा के बोलना चाहिए प्रॉपर हिंदी होती जो दिल्ली वाली, वो हम लोग नहीं बोल पाते हैं। वो हिंदी तो कभी सीखी नहीं, वो माहौल में उस इन्वायरमेंट में कभी नहीं रहे हम लोग झारखंड से, तो झारखंड में जिस तरह से हम लोगों का ऐसे जिस तरह से बोल पा रहे हैं उस तरह से बोल रहे हैं। अगर उसमें से अगर समझ जा रहे हैं आप लोग तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही हमारे लिए, और सपोर्ट कीजिए और किसी को बुरा लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। कुछ अगर नया सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और कुछ, और जो हमारे चैनल में नए हैं वो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू थैंक यू।